हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे पनीर टिक्का। सबसे पहले थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में सरसों का तेल गरम करेंगे। तेल गरम होने के बाद इसमें बेसन, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डालकर चला लेंगे। इसमें से काफी अच्छी खुशबू आ रही है। इसको लगभग 2 मिनट पकाएंगे। अच्छा उबाल आने के बाद गैस बंद कर देंगे। अब हम एक बड़े बाउल में गाढ़ा दही लेंगे, जिसे हमने 2 घंटे के लिए कपड़े में बांध कर सारा पानी निकाल लिया था। अब इसमें अजवाइन, चाट मसाला, गरम मसाला कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे इसमें अच्छा सा लाल रंग आ जाएगा। कसूरी मेथी, भुना हुआ जीरा पाउडर, नमक, और ये भुना हुआ बेसन डालकर अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें कटी हुई शिमला मिर्च, को इस तरीके से चौकोर काटेंगे, इसमें मिला लेंगे। इसी तरह से चौकोर कटी हुई प्याज, टमाटर डालेंगे। ध्यान रहे टमाटर के बीज निकाल कर ही डालेंगे। अब इसमें इस तरीके से चौकोर कटे हुए पनीर के पीस डालकर हाथों से मिलाएंगे। अब इसे लगभग 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। लगभग 20 मिनट हो चुकी हैं। अब इसमें नींबू का रस डालकर मिलाएंगे। इसको हल्के हाथ से मिलाना है, जिससे पनीर ना टूटे। अब सीक लेंगे, या हमने लकड़ी की सीक ली है, आप चाहो तो लोहे की सीक ले सकते हो। देखिए, इसका एक साइड नुकीला होता है, वहीं से हम पनीर को डालेंगे।
आप चाहें तो दो सीखों का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि दो सीख से इसे पकड़ना आसान होता है। अब इसमें सबसे पहले शिमला मिर्च डालेंगे। फिर प्याज डालेंगे। अब पनीर डालेंगे। पनीर के बाद प्याज लगाएंगे। अब टमाटर, प्याज, पनीर, प्याज, और शिमला मिर्च डालकर तैयार करेंगे। यहाँ हमने छोटी सीख में दो पनीर डाले हैं, आप बड़ी सीख में ज़्यादा पनीर भी डाल सकते हो। देखिए सारे टिक्के तैयार हो चुके हैं, अब इसे हम फ्राई करेंगे। इसके लिए तवे पर थोड़ा मक्खन लेंगे। अब एक एक करके टिक्कों को चारों तरफ से सुनहरा होने तक सेकेंगे। स्वादिष्ट पनीर टिक्का बनकर तैयार है, आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।